भाई साहब, मैं और मेरे साथ में तीन बंदे और हैं। हम लोग सारे ना जा रहे, देख सकते हैं फोन फान बाहर देखते ही फोन फान निकाल लिए हम लोग। अब बताता हूँ आप सबको कहाँ का ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप सबको राम राम, सारे भाई ने सलाम। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी एक सेकंड में नहीं रुक सकती है, क्योंकि धराधर आते जाते रहते हैं गाड़ी, इतने सारे भीड़ होते हैं रास्ते में। तो भाई फाइनली मैं ना अजमेर में हूँ, अजमेर राजस्थान में। कौन कौन राजस्थान से हैं कमेंट करके भाई ज़रूर बताना मुझे। और देख सकते हैं टेम्पू भी जा रहे हैं, और ये सब नज़ारा देखने के लिए तो साल तरसते हैं लोग। और ये रास्ता सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये रास्ता जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये रास्ता पहाड़ काट काट कर बनाया गया है। और ये कहाँ जा रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान पता है आप सबको? हाँ वो तो सबको पता है भाई, पृथ्वीराज चौहान। तो उसी का समाधि समाधि है, और उधर कोई दरगाह भी है, उधर ही हम लोग सारे जा रहे देखने घूमने के लिए पहाड़ों में। तो पर सबसे बड़ी बात तो ये भाई, यहाँ पे ना रोड बना रखा है, और इतना पिकअप में जा रही है ना गाड़ी, इतना पिकअप में ऐसे आप सबको ना स्लो करके दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल है। इतना पिकअप में जा रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, इधर देखेगी उधर देखेगी, मतलब 9-17 खूब मजा ले रहा हूँ। पहली बार आया हूँ ना पहाड़ों में, इसीलिए थोड़ा बहुत तो डर तो लगता ही है, आप सबको पता होना चाहिए। और कौन कौन पहाड़ में आए हैं कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। टूर की ऐसे हिमाचल में क्या हम लोग उस बीच से आए हैं बाबा रे, यहाँ से देखो रे माता क्या दिख रहा है, यहाँ से पूरा अजमेर दिखता है, यहाँ से पूरा अजमेर दिखता ना। लेकिन रोड बना दिया भाई, रोड पर रोड तो यही तो तुमको बनाना नहीं आता वीडियो, देख लो पूरा अजमेर दिखता है यहाँ से, दिखता है ना छोटे छोटे गाड़ी रुकता, सूलो नहीं है ना भाई, गाड़ी सूलो रहता तो फिर मैं अच्छे अच्छे व्यू ये लेता उतर उतर से। गाड़ी यहाँ पे रुकता नहीं ना, रुक जाएगा तो पीछे से कितना गाड़ी आ गए, डर बहुत लगता है समझ गए। 6 किलोमीटर दूर है इस पार से ना, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस पार से ना पूरा अजमेर दिख जाते हैं, छोटा सा शहर अजमेर, पूरा ऐसे लग रहा चारों तरफ से पहाड़, बीच में खंडल में पूरा शहर बसा हो। हाँ भाई वो देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ है, बीच में एक छोटा सा शहर जैसे कि उसका नाम रखा है अजमेर। और इतना फास्ट चल रहा है गाड़ी की क्या ही बोलो, देख सकते हो मुझे तो बहुत डर लग रहा है सच बोल रहा हूँ। रोड डेवलप नहीं करता क्या, रोड बना हुआ है पर ना रोड को उतना ढंग से, मतलब चलते चलते यार तो पता ही आप सबको रोड चलते चलते तो थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता है, पर अच्छा है वे भी रोड का तो है सिस्टम तो है। बाबा बहुत अच्छा लगा जाने में, और मैं ना आप लोग कौन कौन आए इस जगह पे भाई कमेंट करके तो ज़रूर बताना, और शेयर वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और पता है भाई लाइक कर दोगे तो और भी मेरा हौसला बन जाएगा, और भी मैं आगे से कहीं भी जाऊंगा तो वीडियो बन जाएगा। ऐसे व्यू देखने के बाद ना ऐसा दृश्य, मतलब ऐसा ऐसा जगह, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कैमरा खरीद ही लूँ अपने पैसे से, यूट्यूब का भरोसा ना रहूँ। एक आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कैमरा खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए भाई, ऐसे ऐसे देखने के लिए इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा क्या ही बोलो भाई। खरीदूँगा कैमरा, देख लो गोप्रो ही खरीदूँगा, थोड़ा सस्ते वाले गोप्रो हीरो 10। आप लोग भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा गोप्रो खरीदना चाहिए, 10, 11 या 12 ज़रूर बताना भाई, जिसको जिसको गोप्रो के बारे में पता है ना ज़रूर बताना। देख बीच में हूँ ना मैं बैठा, मुझे खुद डर लग रहा है, गाड़ी इतना फास्ट चलता है गाड़ी,
पता है हम लोग ना इधर हम लोग तो रोड से जा रहे तो पिकअप से जा रहे और जीप जीप है ये हम लोगों का और कितना 6 किलोमीटर दूर है। ये किसका किला है, है ना? ये दिख रहा दिखा थोड़ा बहुत पृथ्वीराज चौहान का किला मीरा सैयद, इधर मीरा सैयद भी है, मीरा सैयद इधर मियाँ सैयद हुसैन भी हुसैन का भी वो है। यहाँ पर लंगर लंगर खिलाया जाते हैं अभी, है ना? पहाड़ों में हूँ ना भाई। यहाँ के बाद ना मेरा बैटरी डाउन होने लगा फ़ोन का, तो मैं वहाँ का वीडियो बना नहीं पाया, तो सॉरी उसके लिए। आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आप सबको ये रास्ता पहाड़ और अजमेर शहर कैसा है। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।